190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला न सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। बानी पीटीआई के वकला को भी कॉपी फराहम कर दी गई। तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें गैर मौसर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें खारिज कर दी। परवेज इलाही को नैब दस्तावेजात फराहम करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। एहतसाब ब्यूरो पर 2 लाख रुपए जुर्माना। ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी जायरीन की बस को खौफनाक हादसा। 35 अफराद जहां बहाक, 18 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाद पेश आया। हादसे के बाद बस में आग लग गई। अस्पतालों में जख्मियों की हालत तश्वीशनाक। ईरान में हादसे का शिकार बस में सवार ज्यादातर जायरीन का ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। कंदकोट के एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 6 जायरीन भी सवार थे। हादसे की इतला पर इलाके में कोहराम। ईरानी हुकाम ने भरपूर तावुन किया। जाए हादसा पाकिस्तानी सफारतखाने से 700 किलोमीटर दूर है। ईरान में पाकिस्तानी सफीर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर अफसोस का इजहार। वजारत खारजा को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। कराची में कारसाज हादसे की मजीद सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। गाड़ी की स्पीड सर्विस रोड के लिहाज से दुगनी से भी जायद होने की तस्दीक। मुकदमे में कत्ल बिल सबब की नाकाबिले जमानत दफा 322 का इजाफा। मुलजिमा के चेहरे ढांप कर अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चलान पेश करने का हुक्म। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम का इफ्तिताह। घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। रकम 7 साल में अदा करना होगी। कर्ज बिला सूद होगा। ज्यादा से ज्यादा किस्त 14,000 रुपए होगी। पहली किस्त कर्ज जारी होने के 3 माह बाद वसूल की जाएगी। अपनी छत अपना घर मंसूबा 7 अजला में 1 साथ शुरू होगा। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़े लग गई। पंजाब हर शोबे में लीड कर रहा है। वो रोजाना 16 घंटे काम करती हैं, खुद आराम कर रही हैं, ना अफसरों को आराम करने दे रही हैं। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। वजीर आला सिंध का सूबे में सेहत की सहूलियात मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। अस्पतालों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। साइबर नाइफ की तीसरी मशीन जिना अस्पताल में नस्ब कर दी गई। ज़राअत की तरक्की के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। मुराद अली शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल तिरनोल में पीटीआई जलसे के लिए मार्च की क्यादत करेंगे। रुकावट डाली गई तो सख्त मजाहमत होगी। अली अमीन गंडापुर का ऐलान। इस्लामाबाद के रेड जोन में फिर कंटेनर्स लग गए। एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स की दीवार बना दी गई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नॉन स्टॉप बारिशें। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश के बायस हादसात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जां बहक। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बलाई इलाकों में 25 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मुमकिन बारिशों के पेश नजर अलर्ट पर चित्राल में 30 अगस्त तक एमरजेंसी नाफिज। गुजरात में मुसलसल 3 घंटे की बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। लाहौर, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से जलथल एक हो गया। बारिशों के बायस दरियाओं की सतह में इजाफा। नौशहर और फिरोज में दरियाए सिंध में 3 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला। बचाव बंद पर पड़ने वाले शिगाफ की वजह से 20 देहात में पानी दाखिल। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आब। इलाका मकीनों की महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी। महकमा मौसमियात ने 26 अगस्त से सिंध में मानसून के 5वें स्पैल की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान।
इलेक्शन कमीशन ने नून लीग का सदारती और जमात इस्लामी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगो की कामयाबी का नोटिफिकेशन मौतल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान ने PB 36 कल्लात के साथ स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने NA 97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के अली गौहर बलोच की अपील खारिज। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असदुल्ला बलोच की कौमी असम्बली की रुकनियत बरकरार। लापता डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम बाजियाबी केस। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच का पुलिस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। CPO को गैर हाजिरी पर भी इजहार बरहमी। कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। खलीलुर रहमान कमर केस। मुलजिमा आमना उरूज की दोनों टांगों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। मुलजिमा का दौरान तफ्तीश करंट लगाने का इल्जाम। डॉक्टर्स ने बयान से इत्तेफाक नहीं किया। आमना उरूज की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत का आमना उरूज का एक्सरे और दीगर टेस्ट करवाने का हुक्म। लाहौर के इलाके सब्जाजार में सड़क पर चलती खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम खातून का पीछा करता और नाजेबा फिक्रे कसता था। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने खातून की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया। चेयरमैन PTI ने सबमरीन केबल की खराबी को इंटरनेट स्लो होने की वजह करार दे दिया। सबमरीन केबल 22 अगस्त तक ठीक हो जाएगी। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बरतानिया में वेबसाइट के जरिए फेक न्यूज फैलाने का केस। मुलजिम का पैसों की खातिर गलत मालूमात फैलाने का एतराफ। FIA ने मुलजिम का मोबाइल और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले ली। डॉन न्यूज की खबर पर एक्शन। वाटर कॉरपोरेशन ने तमाम हाइड्रेंट से टैंकर सर्विस बहाल कर दी। कराची को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक शुरू कर दी गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में कार से 3 साल बच्चे की लाश मिली। एक बच्चे को जिंदा हालत में निकाला गया। पुलिस को खेलते हुए डिग्गी में बंद होने का खदशात। रहीम यार खान में नौसरबाजों ने दर्जनों खवातीन को ठग लिया। सोलर पैनल और UPS देने के बहाने खवातीन से शनाख्ती कार्ड लेकर ऑनलाइन कर्जा लेने का इंकशाफ। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खवातीन का पूरे गैंग को पकड़ने का मुतालबा। इसराइली फौज की गजा में स्कूल मार्केट और रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का खान यूनिस से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। सुरंग में गैस इखराज के बाद दम घुटने से हलाक हुए। नेतन्याहू के बयानात के बावजूद इसराइल गजा से फौज के इनखिला पर तैयार है। अमरीकी वजीर खारजा का दावा। इटली के साहिल पर डूबने वाली लग्जरी कश्ती के लापता 6 अफराद की तलाश जारी। लापता अफराद में बरतानवी टैक टाइकॉन माइक लैंच और उनकी बेटी भी शामिल। कश्ती में 22 अफराद सवार थे। 1 हलाक और 15 को बचा लिया गया। अमरीकी रियासत में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हादसात में 2 अफराद हलाक। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां फंस गई। नई दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। सड़कें डूब गईं। भिटशा में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के दूसरे रोज आज शाह लतीफ आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। आखिरी रोज वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे। रावलपिंडी में पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का पहला टाकरा। बारिश के बायस ताखीर से शुरू होने वाले मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल। पाकिस्तानी फाइटर बानो बट ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। और हॉलीवुड एक्शन फिल्म लॉन्ग गोन हीरोज की झलकियां जारी कर दी गईं।